कहना है कि जाता नहीं, कोरोना के खात्मे से हम अभी भी बहुत दूर हैं। केवल बचाव और सावधानियां ही इससे बचा सकती हैं। हालांकि देश के लिए राहत की बात अभी तक ये रही कि कोरोना के मामलों में भयानक वाली बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि देश में एक बार फिर कोरोना सिर उठा रहा है। देश में कोरोना के मामलों में अब फिर से एक तेजी देखी जा रही है। हालांकि रोजाना के मामले 3000 के आसपास ही हैं, लेकिन अब कोरोना के एक नए वेरिएंट ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। दरअसल भारत में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट XBB की दस्तक से दहशत फैलने लगी है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XBB के देश में अब तक 4 राज्यों में 71 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में XBB सब वेरिएंट के 5 मामले, जबकि पश्चिम बंगाल में 17, ओडिशा में 33 और तमिलनाडु में 16 मामले सामने आए हैं। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XBB के मामले तेजी से बढ़े हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक XBB सब वेरिएंट इम्यूनिटी को मात देने की ताकत रखता है। हालांकि अभी तक के मामलों में ये साफ नहीं हो सका है कि ये वेरिएंट कितना घातक है, लेकिन ये बेहद संक्रामक जरूर है। सबसे पहले इस सब वेरिएंट का अगस्त में सिंगापुर और अमेरिका में पता चला था। XBB ओमिक्रॉन के BA.2.75 और BJ.1 वेरिएंट के संयोजक से बना है। सबसे पहले इसका अगस्त में सिंगापुर और अमेरिका में पता चला। XBB ओमिक्रॉन के BA.2.75 और BJ.1 वेरिएंट के संयोजक से बना। WHO ने ओमिक्रॉन को चिंता का प्रकार करार दिया था। दुनिया के कई हिस्सों में ये सब वेरिएंट XBB तेजी से फैल रहा है। खास तौर से सिंगापुर में इसके मामले तेजी से बढ़े हैं। सिंगापुर में पिछले 2 महीने में 10,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले XBB सब वेरिएंट के ही हैं। ये वेरिएंट दूसरे वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलने वाला नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।